हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं एकदम होटल जैसी सांभर रेसिपी, पर थोड़ी इजी मेथड के साथ। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सांभर बनाने के लिए हमें यहाँ पे तुअर की दाल चाहिए। तो ये मैंने एक कटोरी जितनी दाल ली है। तो ये घर वाली दाल है, आप चाहो तो जो मार्केट में दाल मिलती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो बहुत जगह पर तुअर की दाल को अरहर की दाल भी बोलते हैं। तो अभी हम इस दाल को अच्छी तरह से धो कर लेंगे। तो अभी हमें इसके अंदर एक गिलास जितना पानी ऐड करना है और इसको अच्छी तरह से रब करते हुए धो कर लेना है। और इसके अंदर का जो ये गंदा पानी है उसे हमें फेंक देना है। और इसी तरह से मैंने दाल को 4-5 बार धो कर लिया था। तो अभी हमें इस दाल को कुकर के अंदर डालना है। तो मैंने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर लिया है जिसके अंदर की मैंने दाल डाल दी है। अभी हम इसके अंदर और पानी ऐड करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर 1.5 गिलास जितना पानी यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। और पानी डालने के बाद में अभी हमें इसके अंदर डालनी है हल्दी। तो हल्दी मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून जितनी ही ली है। तो अभी हमें हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि हमें बाद में भी हल्दी इसके अंदर ऐड करनी है। और थोड़ा सा इसके अंदर अभी हम नमक ऐड करेंगे ताकि दाल थोड़ी जल्दी कुक हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून जितना नमक ऐड किया है। और अभी हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल। तो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून जितना ऑयल इसके अंदर ऐड किया है। ऑयल डालने से दाल कुकर से बाहर नहीं निकलती है। और फ्रेंड्स, अभी हमें इसके अंदर कुछ सब्ज़ी ऐड करनी है। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से सब्जियाँ ली हैं जिसमें कि मैंने 2 आलू लिए हैं जो मीडियम साइज़ के थे, जिसे कि मैंने पील कर चॉप कर लिया है। इसी के साथ में मैंने यहाँ पर लिए है सहजन यानी कि ड्रमस्टिक। एक बैगन को मैंने चॉप कर लिया है। 2 टमाटर जिसे कि मैंने चॉप कर लिया है। और इसी के साथ में हमें इसके अंदर ऐड करना है कद्दू यानी कि पम्पकिन। और यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च को बारीक चॉप कर लिया है। तो अभी हमें इसके अंदर बस आलू और पम्पकिन को ही डालना है। बाकी की सब्जियाँ हमें इसके अंदर ऐड नहीं करनी है क्योंकि अगर हम बाकी की सब्जियां दाल के अंदर ऐड करेंगे तो वो ओवर कुक हो जाती है। बस यही 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए हम इसे दाल के अंदर डालेंगे। तो अभी मैंने एक कटोरी के अंदर पम्पकिन को निकाल कर लिया है जिसे कि हम दाल के अंदर डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको जो सब्जियाँ अच्छी लगती है वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो अभी हमें इसके अंदर आलू ऐड करना है। और आलू डालने के बाद में अभी हम इन सारी चीज़ों को थोड़ी देर के लिए मिक्स कर लेंगे किसी चम्मच से। और मिक्स करने के बाद में अभी हमें इसका ढक्कन लगाना है और उसको 2 सीटियाँ आने तक कुक कर लेना है। फ्रेंड्स, मैंने अभी इसका ढक्कन लगा दिया है। तो अभी हम इसको गैस के ऊपर रखेंगे और अभी हमें इसको 2 सीटियाँ आने तक कुक कर लेना है। तो जब तक कुकर पक रहा है तब तक के लिए हम बाकी की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने गैस के ऊपर एक कढ़ाई रखी है जिसके अंदर कि हमें 2 टेबलस्पून जितना ऑयल ऐड करना है। और जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा वैसे ही हमें इसके अंदर डालनी है 1/2 टीस्पून जितनी राई। और राई चटकने के बाद में अभी हमें इसके अंदर ऐड करना है 1/2 टीस्पून जितना ही जीरा। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो राई और जीरा अच्छी तरह से भून चुके हैं। तो अभी हम इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का प्याज डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्याज को बारीक चॉप कर लिया है। और अभी हम प्याज को थोड़ी देर के लिए भुनेंगे जब तक कि वो थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं हो जाता। और जैसे ही प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तब हमें इसके अंदर 2 लाल मिर्च डालनी है। तो ये सूखी हुई लाल मिर्च है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और अभी हमें इसके अंदर डालनी है हरी मिर्च। तो यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्च को बारीक चॉप कर लिया है। तो अभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे बारीक कुटा हुआ लहसुन। तो यहाँ पर मैंने 8 से 12 लहसुन की कलियों को बारीक कूट कर लिया है। और अभी हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भुनेंगे जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन ना हो जाए। और इसको लगातार 2 मिनट भूनने के बाद में आप लोग देख सकते हो इसका कलर चेंज हो चुका है। तो इस स्टेज पे मैंने इसके अंदर कुछ करी पत्ते डाले हैं, तो ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालिए, अगर ना हो तो इसको स्किप कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे। तो लाल मिर्च पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून जितना। हल्दी पाउडर डालेंगे 1/4 टीस्पून जितनी। इसी के साथ में हमने यहाँ पे धनिया पाउडर डाला है 1/2 टीस्पून जितना। और अभी हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भुनेंगे। तो हल्दी पाउडर का इस्तेमाल थोड़ा सा कम कीजिए क्योंकि जब हमने दाल को पकाने के लिए रखा था उसके अंदर भी हमने हल्दी पाउडर डाला था। तो अभी मसाले भून चुके हैं, तो अभी हमें इसके अंदर जो बाकी की बची हुई सब्जियाँ हैं वो ऐड करनी है। तो मैंने अभी इसके अंदर ड्रमस्टिक डाली है यानी कि सहजन। अब हम इसके अंदर डालेंगे बैंगन। तो इसके अंदर बैंगन डालना ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो। और अभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। और टमाटर डालने के बाद में अभी हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भुनेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको लगातार चलाते रहिए वरना ये सब्जियाँ नीचे भी लग सकती हैं। तो
तो अभी ये सारी सब्जियां अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है, तो अभी हमें इसके अंदर पानी ऐड करना है। तो हमें इसके अंदर उतना ही पानी ऐड करना है जितने में ये जो सारी सब्जियां हैं वो अच्छी तरह से पक जाए। तो मैंने यहाँ पे एक ग्लास जितना पानी इसके अंदर ऐड किया है, और इसके अंदर भी अभी हम हाफ टी स्पून जितना नमक ऐड करेंगे। तो हमने दाल के अंदर भी ऑलरेडी हाफ टी स्पून जितना नमक डाला है, तो आप अपने हिसाब से इसके अंदर नमक ऐड कर सकते हो। और नमक डालने के बाद में अभी हम इसको फिर से थोड़ा सा चला कर लेंगे, और अभी हम इसको ढककर पकाएंगे 5 से 10 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स बीच बीच में चलाते भी रहिए। तो फ्रेंड्स जब तक ये सारी सब्जियां पक रही है तब तक हम लोग हमारे कुकर की तरफ आते हैं, देखते हैं उसका क्या हाल है। तो अभी कुकर पक चुका है और इसके अंदर की जो सारी एयर है वो भी निकल चुकी है। तो अभी हम इसका ढक्कन निकालेंगे और चेक करेंगे कि दाल पकी है कि नहीं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो दाल पूरी तरह से गल चुकी है और इसके अंदर की जो सारी सब्जियां हैं वो भी अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। तो अगर आपकी दाल इस तरह से गली नहीं है तो आप उसको थोड़ा सा चम्मच से फेंट कर भी ले सकते हो। तो अभी जो ये बाकी की सब्जियां हैं वो भी पक चुकी है, तो अभी हम इसको एक बार मिक्स करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो ये सारी सब्जियां सॉफ्ट हो चुकी है। तो अभी हमें इसके अंदर डालनी है दाल जो कि हमने पहले से ही पका कर रखी थी। तो मैंने यहाँ पे अभी सारी दाल डाल दी है और अभी हम इस दाल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो दाल को अभी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर ले लिया है, पर ये दाल थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है तो इसीलिए हमें इसके अंदर पानी ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे 1 कप जितना ही पानी इसके अंदर ऐड किया है, और पानी डालने के बाद में अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अभी हमें इसके अंदर हमारा इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऐड करना है, वो है सांभर मसाला, जिसके बिना इसकी टेस्ट अधूरी है। तो मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून जितना इसके अंदर सांभर मसाला ऐड किया है। अगर आपके पास सांभर मसाला ना हो तो आप यहाँ पे गरम मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और मसाला डालने के बाद में अभी हम इसको फिर से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो हमारा सांभर बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो अभी सांभर को एक उबाल आ चुका है, तो अभी हमें इसके अंदर फ्रेश धनिया ऐड करना है जिससे कि इसकी टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाए। और धनिया को भी हम सांभर के अंदर मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स लीजिए, हमारा एकदम मार्केट जैसा टेस्टी सा सांभर बनकर रेडी है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कीजिए, और अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग से वीडियो देखने हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और जो बाजू में बेल आइकन आता है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।